मैं अभी 3 दिन पहले चर्चा कर रहा था कि महाप्रभु श्री चेतन महाप्रभु जब बैठते थे ना तो लोग बाग ये भी विचार नहीं करते थे कि धूप है कि ताप है कि नीचे कांटे पड़े कि कींच है, बस बैठ जाते थे उनको देखने के लिए, इतने सुंदर थे वो। और कभी महाप्रभु चेतन महाप्रभु जी कभी अपने केश अगर ऐसे पीछे की ओर करते दो चार तो निहाल ही हो जाते वहां पर, केवल उनको देखने की भीड़ होती थी, उनको उनका स्वरूप। एक दिन महाप्रभु जी ने विचार किया, बोले ये सब लोग मेरे, इतनी भीड़ आती है यहाँ पर किस लिए आती है, ये प्रवचन सुनकर के अपना जीवन बदल रहे हैं कि नहीं। तो किसी ने उनको बता दिया, बोले कि आपका प्रवचन तो बहुत सुंदर है पर आप सुंदर कितने हैं, आपके केश आपके नेत्र आपकी नासिका आपका मुख कितना सुंदर है, और उसमें भी आप ये रेशमी वस्त्र पहन करके आ जाते हैं तो बस ऐसा लगता है कि चित्त निकल करके बाहर ही आ जाएगा, ठाकुर जी जैसे लगते हो आप। अर्ध रात्रि में ही विचार किया, बोले कि ये तो रूप पर आकर्षण हो रहा है, उसी समय अपने सारे केश मूड दिए और बिल्कुल विरक्त जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप धारण कर लिया। और दूसरे दिन जब श्री चेतन महाप्रभु पधारे, उनके केशों पर उनके रूप पर उनके आवरण